नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोतर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हूँ, उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल बहुत ही विशेष तिथि था। कल श्रील प्रभुपाद जी के अत्यंत स्नेहमयी शिष्य नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि और हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता मतलब बड़ा गुरु भाई पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रसून मधुसूदन महाराज जी का भी आविर्भाव तिथि था। वैष्णवों का गुणगान ना करने से जीव का मंगल कभी भी नहीं हो सकता है। हमारा मंगल कहाँ है? वैष्णवों के गुणगान करने में ही हमारा मंगल है। ऐसे हमारे गौड़ीय शास्त्रों में और जिन वैदिक शास्त्रों के सार रूप से ये प्रकट हुआ उस मूल शास्त्रों में इसके बारे में विभिन्न स्थानों में वर्णन आता है। वैष्णव गुणावली का जब हम कीर्तन करने लगते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रीति करने पर स्वाभाविक रूप से उसके माता पिता आते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे को स्नेह करता है। आप भले ही अब उनके माता पिता को नहीं जानते हो, एक बच्चे के साथ आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको मार दिया, उसके माता पिता इस बात को विचार नहीं करेंगे कि ये लोग है कौन, वो सीधा लड़ने जाएंगे। करते हो तो आप कोई भी हो, उसके माता पिता आपके मित्र अपने आप से बन जाते हैं। शुद्ध भक्त, भगवान के प्रणयी भक्त, भगवान के भी बच्चों की तरह उनके अत्यंत प्रिय पात्र है, भगवान के स्नेह पात्र। और ऐसे जो भक्त होते हैं उनकी महिमा का जिस समय व्यक्ति कीर्तन करने लगता है वो कृष्ण को आकर्षित करता है। इसलिए हम उस विषय में कुछ भी चर्चा नहीं कर पाए। हमारे गुरु भाई हैं पूज्य तीर्था संस्थापक संस्था के दिखने वाले संस्थापक भी वही है। इस तीर्था का मूल संस्थापक के रूप में हमने हमेशा
हमारे परम आराध्य गुरुदेव को ही देखा है। इसके मूल संस्थापक गुरुजी स्वयं हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन में, डॉक्यूमेंट्स में महाराज जी इसके फाउंडर के रूप में प्रस्तुत है। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, किसी ने तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा भी उपकार किया हो, मरते तक वो कभी भूलना नहीं, उनके प्रति आभार का भाव रखना। वो आदमी निश्चित रूप से बहुत घृणित होता है, समय पे फायदा ले लेता है और उसके बाद उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी नहीं रखता है। श्रीधर गोसाई महाराज जी बोलते, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तिथि कल था, फिर भी आज मेरा हृदय किया कि मैं दो शब्द महाराज जी के बारे में जरूर बोलूं। पूज्य महाराज श्री सभी के लिए एक सन्यासी के रूप में परिचित हैं, एक आचार्य के रूप में परिचित है, एक महात्मा के रूप में परिचित है। मेरे लिए वो एक मित्र के रूप में परिचित है, एक बड़े भाई के रूप में परिचित है, और इन सब से बढ़कर मेरे लिए मेरे माँ के स्थान पर वो मेरे लिए परिचित है। ऐसा आज अगर मेरा नाम भक्ति किंकर दामोदर हुआ है और आज अगर दुनिया में कुछ लोग मुझे पहचानते हैं, प्रीति करते हैं, उनमें मुख्य रूप से जिन जिन को श्रेय जाता है, उनमें से एक विशेष भूमिका निभाने वाले पूज्य महाराज श्री हैं। उनके विषय में जितना बोलो उतना कम, परिक्रमा कर लो, जितना मर्जी पूजा कर लो, जितना मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, जितना मर्जी जो कुछ भी कर लो दुनिया में, अगर गुरु निष्ठा नहीं है ऐसा, गुरु निष्ठा के अभाव व्यक्ति, उसको गुरु भी में निष्ठा नहीं है, वो व्यक्ति का कुछ भी साधन जो है किसी काम का नहीं होता। कोई बात में सुधर जाएगा, वो वाला एरिया वो है ही नहीं। ऐसा ऐसे नहीं कहा, हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, ऐसा। पर महाराज जी की ऐसी कृपा है कि उस गुरुस्थान के प्रति, परमाराध्यशील गुरुदेव के प्रति हृदय में प्रीति उत्पन्न हो, ऐसी उन्होंने जीवन को बनाया। ऐसा महाराज ना होते, कोई और होता, तो मुझे लगता है हम कनक कामिनी प्रतिष्ठा का कीर्तन कर रहा होता और मेरा जीवन, मेरा समय सब कुछ नष्ट हो गया होता। वो तो वो है जिन्होंने उन चीजों की तरफ नहीं, ध्यान गुरुपाद पद्म में होना चाहिए, गुरुजी की इच्छा को अपनी इच्छा बन के जीना चाहिए बोल के सिखाया है। इतना बड़ा योगदान है उनका। ऐसा हम तो उनके साथ बैठने के लिए भी योग्य नहीं है। मेरे से नहीं करते हुए भी 15 साल पहले मठ में आए, और शायद 1-2 साल ज्यादा ही होगा, काफी सीनियर है। ऐसा वो तो उनका प्रेम है जो उन्हें हृदय से लगा के रखा। ऐसे जब वो मठ में आए तब मेरा 5-6 साल उम्र। ऐसा अक्सर लोगों को मेरे अवतार देख के लगता है कि मैं उनसे 10-15 साल बड़ा हूं, लेकिन ये वास्तविकता में सही नहीं है। सही यह है, मैं उनसे 9 साल आयु में छोटा हूं।
और भजन में एब्सोल्यूटली जीरो। उनके भजन के सामने हमारा तो भजन ही नहीं है। महाराज जी के साथ सर्वप्रथम चंडीगढ़ मठ में भेंट हुआ। हमको तो महाराज कौन है ये भी नहीं पता। किसी ने बोला जाके भगवान दास को बुलाओ। मैंने बोला दिखता कैसा है? वो बोलते लंबा सा है। तो एक और था मेरे जितना ही हाइट का है। मैं सोच यही है शायद। मैं जाके बुला रहा हूँ, बोलते नहीं नहीं है उधर है। मैंने बोला पहचानू कैसे? वो बोलते जो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है वही भगवान दास है। बिल्कुल ऐसे ही बोला मुझे। जो भी है मुझे कैसे पहचानना? सामने आ गया, उनकी पर्सनैलिटी छिपती भी नहीं है, वो खुद ही पहुंच गया। मेरे माइंड में इंप्रेशन है बहुत गुस्से वाला। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत लोग बोलते हैं बड़े महाराज जी के पास नहीं जाना, डर लगता है। क्यों डर लगता है? कोई प्रेत थोड़ा ना है। और जो मुझको झेल सकता है, मैं लाइव में बोल रहा हूं, जो मुझे झेल सकता है वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। वो कोई महापुरुष ही होगा जो हमको झेल सकता। हल्के लोग नहीं झेल सकते। इसलिए हमारे गुरुजी ने झेला। इसलिए मेरा हमारे पूज्य गुरुदेव उन्होंने अपने आश्रय में रखा मुझे दास को। और उसके बाद गुरुजी को यह बात पता था कि मेरे अलावा इसको कोई और नहीं झेल सकता। गुरुजी को पता था, इसलिए गुरुजी ने मुझे उस व्यक्ति के हाथों में दिया जो मुझे वास्तविकता में झेल सकता है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मुझे अपने पास रखा। पर वही मेरे लिए एक रक्षा कवच बनकर मुझे बचा के रखा हुआ। गुरुजी ने मेरे जीवन श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी को दिया, जिनकी सेवा में और जिनके आश्रय ने जिंदगी को एक रूप दिया। और उसमें भी हमारे पूज्य मधुसूदन महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि जब सेवकों ने, परमाराध्य श्री गुरुदेव के सेवकों ने मुझसे कहा कि पूज्यवाद भारती गोसाई महाराज जी के सेवा में आने से अच्छा होगा, अच्छा होगा, लेकिन निर्णय कौन लेगा? मैं अपने जिंदगी के कई सारे निर्णय स्वयं लेता हूं, लेकिन कई निर्णय जहां मुझे लगता है खुद नहीं लेना चाहिए, जो विशेष है, क्योंकि महाराज जी के सेवा में आना मतलब तीर्था से दूर रहना। जहां महाराज जी रहेंगे वहां रहना, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब चीजों से मैं वास्तविकता में अवगत नहीं हूं। तो मुझे सही मार्गदर्शन की जरूरत है। हम लोग पूज्य महाराज श्री के पास आए, उन्होंने उदार जो आज मुझे मिल रहा है,
ऐसा इतना बड़ा योगदान है उनका मेरे जीवन में। चंडीगढ़ मठ में मैं उनको जब पहली बार मिला, बस देते हैं अरे गुंडा। मैं सोचूं कि ये गुंडा इधर कौन है जिसका हरिनाम हो रहा है, हमको पता नहीं कौन है। क्योंकि शरीर से महाराज जी पंजाबी हैं, अयोध्या जी में उनका आविर्भाव है, अयोध्या एरिया में, और उसके बाद उनका पालन पोषण जो कुछ भी है सब पंजाब में होने के कारण पंजाबी शरीर है, स्वभाव भी पंजाबियों वाला है। और मेरा है दक्षिण भारत का एक रिजर्व कम्युनिटी के बीच में, तो मेरा जो रहन सहन बोल चाल हमको शुरू में जहां भी हम गया था, मैं गया, लोग अक्सर मुझे खड़ूस की तरह देखते थे क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करता था। हम एप्पल फोन की तरह यूजर फ्रेंडली नहीं है, लोगों ने सैमसंग बना दिया बाद में। हमको किसी से दोस्ती करना, मिलना, बात करना डर लगता है, संकोच होता है। मैं ब्रह्मचारियों के साथ भी ज्यादा बैठता उठता नहीं था, बिल्कुल लिमिटेड सर्किल था। अब ऐसे बुलाने से मैं इसका उसका मुंह देख रहा हूं कि शायद कोई और है, वो बोलता है ए तुमको ही बोल रहा हूं। वो पहले जिसने बोला ना बहुत गुस्से वाला है, वो दूर रहना, संभल के रहना, उस वो बात जो है इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, ढा। मैंने बोला सच में खतरनाक, मुझे दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मैं बोला हाँ जी हो गया, हरिनाम वगैरह हो गया। एक इमेज ऐसे बना के बैठा कि इस व्यक्ति से दूर रहना है। जब आदमी ये सोच के बैठता है कि मुझे किसी से दूर रहना है और दूसरा वो आदमी सही नहीं है, उसकी सही चीज भी खराब ही लगेगा। अब हम दोनों का उस दिन भंडारा चल रहा है चंडीगढ़ मठ में, किसी बात पे खटपट हो गया। और मैं बचपन में, मतलब जब मठ में आया 17 साल करीब उम्र था और थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी था, वो इसलिए क्योंकि हमारे कल्चर अलग है। मैं जिस तरीका के लाइफस्टाइल को रहना पसंद करता हूँ, पंजाबी लोग कितने हसमुख और काफी जॉयफुल और फनी रहते, वो हमें वो चीज डाइजेस्ट होता नहीं इतना। और कम्युनिटी के साथ यूज्ड टू होने में काफी टाइम चला गया। ऐसा और एक दिन हम दोनों की बज गया, उन्होंने एक डंडा उठाया, डंडा नहीं हाथ से फाट करके लगा दिया। उनके हाथ भी हथौड़ा की तरह लगता है, लगा दिया उन्होंने। मैं मन में बिठा लिया, मैं मन में बिठा लिया कि भाई इनके आसपास में हो सकता है। हमारे पास, मेरे पास तो 2-3 कपड़े थे एक थैली में डाल के, मैं बोला मैं जा रहा हूं। किसी ने जाके महाराज को बता दिया कि वो जा रहा है और मुझे गुस्से में निकाला। मुझे ये भी नहीं पता जाना कहाँ है क्योंकि पैसा ही नहीं जेब में। एग्रेसिव हो जाता आदमी, पागल हो जाता है, क्या करता है उसको समझ ही नहीं है। और मैं एकदम जिद पे, इतने लोगों के बीच में आकर के अगर किसी एक व्यक्ति ने मुझको रोका है उस दिन, और इतना स्वाभिमान भी था, अगर मैं चला भी गया होता मुझे ऐसा लगता किस मुंह से वापस आऊंगा अब कि कुछ नहीं कर पाया इसीलिए आ गया। उस दिन उस गुस्से में लिया हुआ डिसीजन मेरा जिंदगी पूरी तरह से खराब कर सकता था। लेकिन यकीन मानिएगा एक ही व्यक्ति था जो आके मुझको रोका, वो है पूज्य महाराज। महाराज जी ने आके रोका, जबरदस्ती आके रोका, इतना जबरदस्ती रोका
किसी ने मुझे बूट गिफ्ट किए थे तो मैं उसको लेस बांध लिया था, चप्पल भी नहीं, बूट पहना था। मुझे उठाया ऐसे, बैग पता नहीं कहाँ गया, वो कपड़े का लिफाफा, मुझे ऐसे हाथ से उठाया, सीधा लाके 6 नंबर कमरे के बेड पे फेंका और दबा दिया ऐसे। और वो बोलते हैं खोल इसके जूते, मैं पांव ऐसे 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 छटपटा रहा था, तो महाराज ने अपने हाथ से जूते खोले ऐसा। और फिर मैं फुस 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 करके मैं फिर कमरे में चला गया। बाद में आके मैंने कहा कि अगर आपको गुस्सा है अपने आप को मारो, मुझे नहीं। महाराज जी यही बोलते, इतनी सी बात, एक रॉड लाके फाट फाट करके खुद को मारने लगे थे ऐसा, इतनी सी बात, वो अपने आप को शासन करने लगे थे। तब मैंने उनको पहली बार ऐसे करके गले लगा लिया था कि मुझे अच्छा नहीं ना, ये क्या हो रहा है, हम तो गुस्से में बोला एक्सपेक्ट नहीं किया। वो दिन से हमारा एक बंधन जो है, आज हम यहाँ है। उनकी ममता के आगे माँ की ममता भी फेल है। रूठते हम ही हैं हमेशा और मनाते वही हैं हमेशा, और मुझे याद नहीं है कि मैंने एक बार भी उनको मनाया, और मुझे याद नहीं है कि जब मैं रूठा आज तक एक बार भी उन्होंने मुझे छोड़ा है। ऐसी व्यक्तित्व है ऐसा, क्या बोले क्या नहीं पता। मैं श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को फॉलो करता हूं, मेरा जिंदगी बनने के लिए जो जो कारण है, वो व्यक्ति को भी मैं आज प्रणाम करता हूं जो उस दिन भी बोला, जो मुझे चंडीगढ़ मठ आने के लिए बस का किराया दिया था और 100 रुपए मेरे हाथ में रखा था, वो मेरा जिंदगी था। आज वो चाहे कैसे भी हो अपनी जीवन में, और महाराज ने इतना कुछ किया मेरे लिए, कैसे भूल जाऊंगा मैं। और वो भी तब जब मैं ये जानता हूं मुझे झेलना आसान नहीं है ऐसा। कई लोगों का दिमाग खराब है, वो सोचते हैं कि वो गुस्से वाले हैं, उनसे ज्यादा प्रेम का मूर्ति जो है हमारे जनरेशन में या थोड़ा आगे पीछे में मैंने देखा ही नहीं किसी को। नसीब वाला होता है जिसको उनका प्रेम मिलता है ऐसा। इसमें कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं है, मैं एक मठ का आचार्य है इसलिए नहीं कह रहा हूं, मेरा सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे माँ है, इसलिए बोल रहा हूं। ऐसा अच्छा बैठ जाइए। फिर उसके बाद मेरा हरिनाम हो गया। अब जब हमारा दोस्ती हो गया, ये अपने कई सारी बातें बोलते रहते हैं, बोलते हुए उन्होंने बोला गुरुजी को अगर तुम अपना बनाना चाहते हो, गुरुजी का प्यार तुम पाना चाहते हो, तो तुम्हें गोकुल महावन में रहना चाहिए। हमारा गोकुल महावन मठ खंडर है आज, लेकिन महल है, लेकिन 99-2000 में तो खंडर था। आप बाथरूम में बैठ के दीवार को हाथ लगाओगे तो इतना सीमेंट का पैच जो है भौम करके नीचे गिरेगा, ऐसा स्थिति। लाइट भी नहीं है, इनफैक्ट तब तो एलईडी CFL भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, वो जो पीला बल्ब होता है वो वाले बल्ब होते थे, और क्योंकि लाइट भी नहीं होता था। और वहां मैं चला गया इस ये सोच के, यहां जाने से गुरुजी का प्रिय बनूंगा मैं बिल्कुल, क्योंकि महाराज जी ने कहा। चला गया, 6 महीना रहा, हालत बिगड़ गया, तबीयत बिगड़ गया, कोई बात करने वाला नहीं, सब बंगाली, और ये जाके बैठे मुंबई में।
और इन्होंने ये भी नहीं कहा कि तू चलेगा, कुछ भी नहीं है। मैं चला गया, 6 महीना रहा, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच है कि उस कारण से गुरु महाराज जी का कृपा तो जरूर हुआ है। जब मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया था गोकुल के कलेक्शन के लिए, उस समय वो लोग मुझे दिल्ली भेजने का प्लान किए थे, तब मैं पहली बार गुरुजी के सामने बैठकर आराम से बात किया। कहां से आया? गोकुल मावन से। अच्छा, बुला। वो लोगों ने बोला कि इनको कलेक्शन का सेवा देना है गोकुल का। गुरुजी बोलते तबीयत खराब है, पहले इलाज कराओ, सारा पैसा मेरे से लो। गुरुजी ने दिल्ली मठ में कहा था ये बात, और नहीं भेजना अभी कलेक्शन के लिए, पहले पूरा इलाज कराओ। क्या इलाज कराना, उसके बाद गोकुल से तो छुट्टी हो गया। बोला नहीं, अब तो सीधा वापस चंडीगढ़। कुछ बात निष्किंचन महाराज जी मुझे फिर चंडीगढ़ ले गए थे तब। लेकिन गुरुजी के नोटिस में आया, विशेष रूप से आया, तब से हमारी यात्रा शुरू हुआ। दीक्षा हुआ वृंदावन में, फिर आ गया मैं चंडीगढ़ में, वहां से हम लोग बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु चले गए और बेंगलुरु से जब मुंबई आया, तब गुरु महाराज जी के कमरे में पहली बार जीवन में गुरुजी के साथ ट्रैवल करने का मौका एयरपोर्ट से लेके कोलीवाड़ा तक, वो भी मुंबई में ही मिला, और वो भी महाराज जी के कारण। मैं तो एक साइड में खड़ा था, मेरा बाजू पकड़ के खींच के बोलते कि बैठ। गुरुजी के पास बैठने के लिए ना अच्छे अच्छे ऐसे चौड़े होके आते हैं, जो एक घुस भी रहा था, महाराज जी ने बोला तू क्यों बैठेगा, हट यहां से, और उसको हटा के महाराज जी ने मुझको अंदर डाल दिया। पहली बार मैं मुंबई एयरपोर्ट से लेके वहां तक गुरुजी के बगल में बैठ के आया, वो जो वाइब्रेशन है वो जीवन में नहीं भूल सकता। एक एक करके कई ऐसी जगह है जहां पर महाराज ने मुझे गुरुजी के करीब जाने के लिए बहुत सहायता किया। कितना भी बोलू कम है, एक ब्रह्मचारी अगर अपने गुरु के निकट नहीं रहेगा, नहीं जाएगा, उसका जीवन में आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता है। क्या ईंट पत्थर दीवार और बिल्डिंगों को देख के भक्त बनेंगे? गुरुदेव को, उनके आदर्श को देख के बनेंगे? और एक घर बार छोड़ के आया हुआ व्यक्ति, उसको गुरु के पास जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, संग करना चाहिए। और उसके लिए मुझे बहुत सारे मौके खुद महाराज जी ने बना बना करके दिया था। गुरुजी के साथ गाड़ी में बिठाया तो मैं गुरुजी के साथ बात करने लगा। मैं तो नहीं बात करना था, मुझे तो पता ही नहीं क्या पूछना है गुरुजी से। गुरुजी कुछ भी पूछ रहे हैं और मुझे जवाब भी नहीं आता और डर भी लग रहा है। मैं हाँ जी, जैसे दयामय बात करता है ऐसे ही मैं धीरे धीरे हाँ जी ऐसे ही से बोलता था बस। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और कुछ नहीं है, उनको भी पता चल गया अनाड़ी है। फिर उसके बाद गुरुजी कमरे में बैठे, मुझे बिठा दिया कमरे में, एक कोने में बैठा हुआ था मैं। मुझे मालूम नहीं है कि गुरुजी से क्या बात करनी है। और उस समय गुरुजी मुझे केला दिखा के बोलते केला खट्टा है मीठा है। मैं पहली बार दिमाग में आया केला खट्टा मीठा भी होता है। फिर बोलते इसमें बीज है, कोई जवाब नहीं। देखते देखते ऐसी हमारा चलता रहा, अचानक मैं देखा मधुसूदन महाराज जी कमरे में घुसे। तब उनका संन्यास नहीं हुआ था, ब्रह्मचारी वेश में ही थे। मैं महाराज जी और गुरु जी को देख रहा एक फ्रेम में। महाराज जी घुटनों में बैठकर गुरु जी जो है सेब और केला खा रहे थे। वो जो केला गुरु जी दिखाया, उस केला को धोधा के लाने के बाद गुरु जी उसको खा रहे हैं, और सेब भी छील के किसी ने पैक करके दिया तो गुरुजी उसको भी खा रहे। महाराज सीधा जाके गुरुजी को बोलते प्रसाद जी, जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, जैसे
मुझे पहली बार ये एहसास हुआ है कि गुरुजी के साथ इतना करीब हुआ जा सकता है। नहीं तो स्टेज पे देखते हैं, दूर से देखते हैं, बहुत लोगों के बीच में देखते हैं, नहीं नहीं डर है, क्या होगा, कैसे होगा। गुरुजी से प्रेम किया जा सकता है और उस प्रेम में इतनी आनंद है क्योंकि गुरुजी की तरफ से वो रेसिप्रोकेशन, वो मुझे एज ए लाइव एग्जाम्पल गुरुजी और महाराज जी के बीच में ही देखने को मिला, क्योंकि मैं साथ था और लोग भी, लेकिन जो भी उस समय की बात। लास्ट में गुरुजी ने वो केला महाराज को दिया खाते खाते, गुरुजी ने खाते खाते महाराज को केला का लास्ट जो टुकड़ा था वो दे दिया, महाराज ने उसको खाया लेकिन छोड़ा नहीं है देने तक। ऐसा उसके बाद महाराज जब कीर्तन करते हैं तब, या जब महेंद्र कपूर जी आए तब, मैं लोगों को बाद में देखता था एक गुरु और शिष्य की आपस का परस्पर प्रेम कैसा है, उनकी एक्सचेंज कैसा है, उसको देखता था और एवरी टाइम मेरा दिल कहता था कि काश ऐसा दिन मेरे जीवन में भी आ जाए, काश ऐसा दिन मेरे जीवन में भी आ जाए। मेरे जीवन का एकमात्र जो केंद्र का वस्तु है वो केवल गुरुदेव ही है, ऐसा मेरे जीवन में बने, उसके लिए उन्होंने बहुत कृपा की है। समय हो गया, नहीं तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, और रामायण तो है नहीं कि मैं रोज बोलूंगा इसलिए मुझे अभी मेरा दिल है। एक दिन गुरु पूर्णिमा का समय था, गुरु पूर्णिमा का दिन था, हम लोग सुबह गुरुजी का पूजा वगैरह करके, व्यासदेव का सब करके हम लोग गुरुजी की महिमा कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, सब हो रहा है, सब हो गया। दोपहर को प्रसाद पाते हुए मैं प्रसाद पाते पाते महाराज जी को बोला, मुझे गुरुजी को देखने का इच्छा हो रहा है, गुरुजी का दर्शन करने का इच्छा हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन नहीं किया महाराज ने, प्रसाद जैसे ही पाया मेरे जेब में 5,000 रुपए डाला और बोलते हैं कि अभी चला जाओ दिल्ली। अब एयर डक्कन फ्लाइट चलता था, मैं एयरपोर्ट जाके 3,500 का टिकट आया था, मैं उसी समय टिकट लेके दिल्ली पहुंच गया था। शाम रात्रि की सभा जब गुरुजी कथा कर रहे हैं, मेरा भाग्य था कि मैं गुरुजी के आगे बैठ करके उस हरि कथा को श्रवण किया था। मुझे गुरुजी के पास जाना है, रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है। गुरु महाराज जी ने 2003 में मधुसूदन महाराज जी को फोन किया करके बोलते कि देखो गुरुजी और परम गुरुजी का फ्लेक्स जो है वो लेके आना, वो जो फ्लेक्स के ऊपर महाराज बहुत टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है, ये उस समय फ्लेक्स प्रिंटिंग कराकर आगे पीछे उसको रोल बना के एक लोहे का फ्रेम बनाया, उसमें वो आगे पीछे लग जाता है, वो गुरुजी को बहुत पसंद आया। गुरुजी ने महाराज को बना लेके पूरी आना, मुझे अच्छी तरह मालूम है इतना बिजी नहीं है महाराज जी की वो पूरी नहीं जा सकते थे। उन्होंने लेकिन गुरुजी को बोला कि शुभानंद आएगा, मैं बाद में आऊंगा, और वो फ्लेक्स दे करके मुझे फिर पूरी भेज दिया। मैं वो फ्लेक्स लेके गुरुजी के पास गया था। और कई ऐसे मौके हैं जिससे बार बार गुरुजी के नजदीक, बार बार गुरुजी के नजदीक जाने का मौका मिला। 2004 में गुरुजी ने मुझको गौर आशीर्वाद दिया था कृतिरत्न बोल के, बेंगलुरु और कोचीन के प्रोग्राम के कारण गुरुजी ने मुझे गौर आशीर्वाद प्रदान किया। अक्सर क्या होता है कि जब ब्रह्मचारी नहीं रहते हैं वहां के मटरक्षक को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप जब जाएंगे अपने ब्रह्मचारी को पकड़ा देना। जब मेरा सर्टिफिकेट की बारी आया, महाराज जी ने लिया नहीं है, महाराज जी ने गुरुजी से कहा कि वो रामनवमी में आएगा, आप स्वयं दे देना। जब मैं आया कलकत्ता, गुरुजी सुबह सुबह मुझे अपना सर्टिफिकेट दे रहे,
मुझे पता था गौर आशीर्वाद मिला। गुरु जी बोलते पढ़ो। वो जो समय है जब मैं गुरु जी के कमरे में हूं, उन्हें प्रणाम करके पढ़ रहा हूं, वार्तालाप कर रहा हूं, वो बहुमूल्य पल मेरे जीवन में आ नहीं सकते बार बार। ऐसा गुरु जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कथा करते थे, वहां से तमाल ट्राई करता था, इधर से जो है हम लोगों ने कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट ले रखा था, जितने ट्रायल वर्जन्स होते थे वो हम लोगों के बीच में होता था। रात भर बैठते थे, दिन भर बैठते थे, नेट कैसे चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे चल रहा है, ये सब चलता था। उसके बाद कई बार इसी दौरान श्री गुरु महाराज जी के साथ भी हमारा कॉन्फ्रेंस होता था। महाराज बैठे हुए होते थे, मैं उनका गोद में सर रख के ऐसे करके गुरु जी से बात करता था, क्योंकि वो फ्रेम इतना होता था जिससे कि हम दोनों साइड में बैठ के बात करें ऐसा बनता नहीं था। महाराज बैठ रहते थे सामने, मैं ऐसे गोद में से ऐसा मुंह करके, ऊपर उनका सर है, नीचे मेरा सर है, और हम दोनों गुरु जी से बात करते। ऐसा जो भी हो, हर जिद पूरा किया है, बहुत लाड किया है, तबीयत खराब था, उनका व्रत था, वो दूध के अलावा कुछ लेंगे नहीं पूरा महीना, अन्न को हाथ नहीं लगाएंगे, उनका ऐसा व्रत था, और उन्होंने सिर्फ दूध ही पीना था। मेरा तबीयत खराब था, मैं चार दिन कुछ भी नहीं खाया, पांचवे दिन उन्होंने अपने हाथ से मुझको भोजन कराया, अपने हाथ से खिलाया, जैसे माँ बच्चे को खिलाती, थाली में ला के मिला करके मुझको हाथ में खिलाया। कैसे भूल जाएगा उस प्यार को, कैसे भूल जाएगा उस लाड को। ऐसा इच्छा होने की देरी है, वो पूरी करने में लेट नहीं करते। मैं पहली बार जब मुंबई गया था, हम लोगों का अगले दिन सुबह 11 बजे ट्रेन था चंडीगढ़ जाने के लिए। हम लोग पैकअप कर रहे थे सारा कुछ, जो कुछ भी कबाड़ वगैरह है सब बाहर फेंकना है, और जो सामान जरूरी है वो सब हमने अलग रखना है। ये सब करते करते रात का 1:30 बज गया था। 1:30 ऑफ इंडिया देखा नहीं, 1:45 बजे मैं गेटवे ऑफ इंडिया के सामने था। 1:30 बजे वो कबाड़ सब हम गाड़ी में भर लिए, फेंक के आते हैं। मुझे तो मुंबई के रोड क्या पता है, कबाड़ तो बाद में फेंका, सीधा गाड़ी ले जाके गेटवे ऑफ इंडिया के आगे रखा, और बोलते इसी को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। चाहे वो परमार्थ का हो चाहे स्वार्थ का हो, कोई भी चीज हो, उनसे पूछेंगे निश्चित रूप से जो है वो यही कहेंगे कि देखो मेरे लिए सारे गुरु भाई एक है, और निश्चित रूप से गुरु भाई एक है, उसमें कोई शक भी नहीं है, उसमें उनका कोई भेदभाव भी नहीं। लेकिन मुझे मेरा हृदय बार बार कहता है कि मैं जैसे उनको अपने माँ की तरह देखता हूं, मेरा हृदय कहता है कि वो भी मुझे अपने बच्चे की तरह देखते हैं। हर बार उनका स्पर्श मुझे यह एहसास दिलाता है कि यह तेरी माँ है। उनको पता है कि मैं बिना तकिए का, मेरे लिए गर्दन में दुखता है, तो इसलिए जब मैं उनके कमरे में जाके अगर लेटने लगता हूं, वो कोई ना कोई कंबल वंबल कुछ ना कुछ रोल करके खुद ही मेरे सिर के नीचे रखते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है कई बार अपने हाथ को भी रख देते हैं ऐसे करके। मुझे अच्छी तरह याद है कितने बार तो मैं उनके हाथ को ही तकिया बना करके लेट लेट के बात किया उनसे। ऐसा भाई मिलेगा नहीं। हम जर्मनी में गए थे, म्यूजिक शॉप में गए, वहां उकुलेले देखा। पहले तो मैं कहीं गया, वो भी थे साथ में, उन्होंने ही पेमेंट किया। बाद में उन्होंने देखा, मैंडलिन तो मैं सीखा नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर मैं जब जर्मनी गया वहां उकुलेले देखा, वो इतना सा इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा प्यारा लगा, मैंने बोला ये चाहिए, वो भी उन्होंने ला के दे दिया मुझे।
कुछ भी बोल, किसी चीज के लिए ना करती नहीं, सिर्फ समझाते हैं कई बार ये शायद काम का नहीं होगा, ये काम का होगा, ऐसे वैसे करके। लेकिन मना करना, और अगर मना भी किया मैं रूठ भी जाता हूं, तो फिर बेचारे वही आके मुझको मनाते हैं, झेलते हैं हमको ऐसा। और साधना कैसे करना है, टाइम तो हो गया, मैं एक ही बात बोलूंगा। 2007 में हम लोगों को मुंबई से पंजाब आना था, क्या हुआ क्या नहीं वो तो गुरुजी जाने। उस समय वहां से मैंने बोला इतने इतने सामान हम लेके जाएंगे, महाराज ने एक सुई तक उठाने नहीं दिया वहां से, ना पैसा उठाने दिया ना सुई उठाने दिया, कुछ नहीं। सिर्फ श्री श्री राधा गोकुलानंद देव जी का जो विग्रह है, जो कि गुरुजी ने कृपा करके सेवा प्रदान किया, वो खाली विग्रह के अंगत में हम लोग वहां से आए हैं, और उनके पूजा के जो बर्तन है थोड़े बहुत उतना ही। ऐसा वैरागी जीवन क्या होता है, वस्तुओं के प्रति आसक्त ना हो के जीना कैसा होता है, वो उन्होंने सिखाया है। हम तो कई लोग देखे हैं जो लोग अगर जाना होता है उनके साथ तो एक ट्रक जाता है। अब जैसे मेरे कमरे में जितना सामान है मुझे बोलेंगे निकल जा, तो मेरा जैसा आदमी ट्रक बुकिंग करेगा, उसमें बेड डाल, अलमारी डाल, लोहा डाल, लकड़ डाल, ऐसे देखा मैंने लोगों को। पहला व्यक्ति जीवन में ऐसा देखा जिसको एक जगह खाली करके दूसरे जगह जाना था, पहनने के लिए 3-4 कपड़े के अलावा अपने हाथ में अपना त्रिदंड और जपमाला के अलावा और कुछ उनके पास देखा ही नहीं। और मैंने सीखा है उनसे आंखों देख। एक आदमी रिश्वत का पैसा लेके आया, हमें तो झूठ बोल दिया, सूटकेस के अंदर ब्रीफकेस में उस पैसे को रख के 4 लाख रुपए था, ब्रीफकेस के अंदर वो पैसा रख दिया और लॉक लगा के लाके दे दिया। बोलता है ये मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, घर में सेफ नहीं है इसीलिए इधर रहने दीजिए, मैं बाद में ले जाऊंगा। 4-6 महीना हो गया आया ही नहीं है। और हमारा एक ब्रह्मचारी है, बहुत ही एक्सपर्ट है, वो नंबर घुमाते घुमाते उसको खोल डाला, उसका पासवर्ड था 666। जैसे ही खोला रुमाल में 4 लाख रुपए रखा। मैंने बोला महाराज इसमें से 1 लाख ले लेते हैं, उसने कौन सा हमें बताया है। महाराज ने गलत करने नहीं दिया, पैसे को दूसरे के पैसे को हाथ लगाना जैसी गंदी चीज कितना खराब होता है। महाराज को बाद में हमें पासवर्ड पता है, इसलिए महाराज ने तुरंत उस आदमी को बुला के ब्रीफकेस वापस किया, 1 रुपए उसमें से हमें हाथ नहीं लगाने दिया। महाराज जी से ही सीखा पैसे को गुरुत्व नहीं देना, पैसा सिर्फ सेवा के लिए है, उसके पीछे कभी भी जाना नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। एक साधक के लिए अगर पैसे के चक्कर में पड़ जाता है 100-100 प्रणामियां भी उसके बाद ऐसा लगता है कि ये मुझे मेरा है। आज हमें लाखों रुपए भी अपना नहीं लगता है, उसका कारण जो है अपनी महानता नहीं, शिक्षा, वो शिक्षा उनके आचरण से सीखा है। ऐसा उनको पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, सेवा के लिए है ठीक है, उनको कोई प्रतिष्ठा का कोई वैल्यू नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ है, सिंपल। धर्म को भी वही सीखा है। ऐसा जो हो, समय हो गया है, महाराज जी मुझ पर अपनी कृपा अपना स्नेह हमेशा बना करके रखे, वो रखेंगे वो मुझको मालूम है, क्योंकि माँ का स्वभाव ऐसे ही होता है। कई बार वो मुझे कहते कि हम दोस्त हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिल्कुल नहीं, हमारे बीच में दोस्ती नहीं हो सकता, आप माँ हैं मैं बच्चा हूँ, बस मैं इतना ही कहूँगा। वो सारे व्यक्ति भाग्यशाली है जो पूज्य महाराज श्री के आश्रय में आए। महाराज जी के आश्रय में आना मतलब है कि गुरु जी के आश्रय में आना। महाराज जी गुरुदेव को अपने हृदय में रख के जीते हैं,
इसलिए महाराज के पास आने से गुरुजी का वाइब्स आते हैं। आप देखो गुरुजी के भजन कुटीर में जो विग्रह है बड़ा वाला, दो हाथ उठा के संकीर्तन करता हुआ, और श्री मंदिर में रखा हुआ जो स्वरूप है, ये सब महाराज जी के ही सेवा से प्रकट हुए हैं। कितने सुंदर रूप से प्रकट हुए हैं। जिसके हृदय में ना हो उसके हाथों में नहीं आ सकता, उसकी सेवा में नहीं आ सकता। ये विग्रह अपने आप में इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि गुरुजी को उन्होंने अपने हृदय में बिठा के रखा हुआ है, गुरुजी उनके हृदय में रहते हैं। भाई ये बोल के नहीं बोल रहा, शास्त्र की बात है। विग्रह क्या होता है? शुद्ध भक्त के हृदय के अंदर भगवान का जो स्वरूप है, वही स्वरूप जब भक्त इच्छा करता है, जब भक्त इच्छा करता है तो वही स्वरूप वो जो कारीगर होता है उसके कंधे पे बैठकर विग्रह के रूप में प्रकट हो जाता है। ऐसा वो मूर्ति नहीं होता, वो विग्रह है, वो भक्त के हृदय से निकला। ऐसे शास्त्र कहते हैं गुरुदेव उनके हृदय में बैठकर, और अद्भुत बात यह कि उन्हीं को कारीगर बनाकर अपने स्वरूप को इस जगत में प्रकट किया। परम पूज्यपाद श्रील भक्तिनिकेतन तुरीयाश्रमी गोस्वामी महाराज जी को जब ये ग्रह दिखाया मैंने, देखते एक नजर में ही महाराज जी ने पहचान लिया कि ये तो गुरुदेव है। ऐसा इसलिए महाराज जी के हृदय में गुरु जी है, और गुरु जी की कृपा से ही ये आश्रम है, और गुरु जी के कृपा से ही हम सब है। वैष्णवों के अनुगत में रहने से ही भगवत कृपा मिलता है, और हमारा जन्म हरिनाम दीक्षा प्राप्त है वो भाग्यशाली है, और जो उनसे शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं भजन में वो भी भाग्यशाली है। शिक्षा दीक्षा ये सब बहुत महत्व रखते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। भगवान हम सबके ऊपर कृपा करें, ऐसे ही संग जन्म जन्म हमें प्रदान करते रहे। और अनजाने में तो छोड़ दीजिए, जान के मैंने लाखों गलतियां की है, उनको बहुत दुख पहुंचा है कई बार, उसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से महाराज श्री के चरणों में क्षमा प्रार्थना करता हूँ। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आरती।